दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी बुशवेल्ड इलाकों में ये एक अनछुआ कुदरती इलाका है। विकास से दूर इस जंगली इलाके में पहले लोग आने से बचते थे। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाली चींटी मक्खी जैसे नुकसानदेह जीवों की वजह से लोग काफी समय तक यहाँ बसने से बचते रहे, इसलिए ये जंगल और यहाँ का वन्य जीवन लगभग अनछुआ बना रहा। फिर रोमांच पसंद करने वाले कुछ पायनियरों ने बीमारियों और खतरनाक जीवों का सामना करके इसे बदल दिया, लेकिन उनकी खोजबीन का वन्य जीवन पर बुरा असर पड़ा। लगभग 100 साल पहले शिकारियों को इस जगह का पता चला और कई वर्षों तक ट्रैकर यहाँ के जंगली जीवों का पता लगाते रहे और शिकारी उन्हें मारते रहे। यहाँ पाए जाने वाले बड़े जानवरों ने राजकुमारों और राष्ट्रपतियों को आकर्षित किया और वे सब के सब बिग फाइव कहलाने वाले इन जीवों को ढूंढकर उनका शिकार करना चाहते थे। शेर, अफ्रीका के जानवरों का राजा। बड़े बड़े सींगों से लैस जंगली भैंसें, गैंडा जिसके सींग में जादुई ताकत बताई जाती है, दुनिया में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी, और छिप कर रहने वाला चालाक और खूबसूरत तेंदुआ। इन पांचों जीवों को शिकार करने के लिहाज से सबसे खतरनाक माना जाता है। परिंदों और बिग फाइव के बहुत ज्यादा शिकार से यहां जीवों की तादाद में भारी गिरावट आई, जिसने भविष्य की समझ रखने वाले कुछ कंजर्वेशनिस्टों को 35 साल पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाने की प्रेरणा दी और उन्होंने बचे हुए जीवों की हिफाजत के लिए पहल की। इन जीवों को बचाने के लिए इको टूरिज्म की एक रूपरेखा बनाई गई, जिससे शुरू हुए सिलसिले ने वन्य जीवन के इस अहम ठिकाने में फिर से जान फूंक दी और अब इसे हमेशा के लिए सहेज लिया गया है। ये इस जंगली इलाके को दोस्तों और परिवार वालों को दिखाने के मकसद से एक निजी कोशिश के तौर पर शुरू हुआ था और उस समय लोग पुरानी लैंड रोवर गाड़ियों में जंगल में घूमते रहते थे। आज ये इलाका साउथ अफ्रीका के सबसे आकर्षक और लोकप्रिय वाइल्ड लाइफ हॉलिडे ठिकानों में से एक बन चुका है। ये असली अफ्रीकन सफारी के तजुर्बे वाली जगह है, लेकिन इस इलाके के संरक्षण पर पड़ा प्रभाव सबसे अहम और कारगर है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा विविधता वाला एक इकोसिस्टम इसी इलाके में है, जिसमें 500 से ज्यादा किस्म के परिंदे देखे गए हैं और 145 तरह के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। यहाँ शिकार बनने वाले और शिकार करने वाले जीवों की भरमार है। शाकाहारी जीवों के भोजन स्रोत के रूप में यहाँ उपलब्ध अनेक तरह की वनस्पतियों में पेड़ों की 330 किस्में शामिल हैं। इससे यहाँ शाकाहारी जीवों की काफी बड़ी तादाद पलती बढ़ती है और वो यहाँ पाए जाने वाले मांसाहारी स्तनधारी सरीसृपों और उभयचरों का भोजन बनते हैं। ड्वार्फ मंगूस जैसे सबसे छोटे मांसाहारी जीव से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे शाकाहारी जीव जिराफ तक सबको यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ सफारी पर जाना
अफ्रीकी जंगल की कुदरती जिंदगी को महसूस करने का मौका है। यहां कुछ अनोखा हो रहा है। ये जिराफ अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। ये सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं। इनके कान सजग हैं और ये पूरे गौर से सुन रहे हैं। शेर, अफ्रीका के सबसे बड़े विडाल वंशी शिकारी। लेकिन जिराफ कोई आसान शिकार नहीं है। नर जिराफ की ऊंचाई 5.4 मीटर और वजन लगभग 1000 किलो तक हो सकता है। अपनी लंबी टांगों और बड़े बड़े खुरों से ये जोरदार हमला कर सकते हैं, जो किसी शेर के लिए जानलेवा हो सकता है। जिराफ अपने ऊंचे कद का फायदा उठाते हैं। अपने आसपास के इलाके में इस तरह से निगाह रखने की क्षमता जिराफ के लिए शिकारियों के हमलों से बचने का एक और सुरक्षा उपाय है। लेकिन ये शेरनी अकेली है। अपने झुंड की मदद के बिना इससे जिराफों को कोई खतरा नहीं है। इसके झुंड के बाकी सदस्य यहां से दूर लंबी घास में छिपे हुए हैं। ये शेरनी जिराफ में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन आज इसका झुंड शिकार नहीं कर रहा है। उसकी बजाय उन्होंने गर्मी की इस दोपहर को छांव में बिताने का फैसला किया है। शेर जब लेटे हुए हों तो उन्हें देखना मुश्किल है। उनकी खाल अपने माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है। माहौल में इस तरह छिपने की क्षमता से शिकार का पीछा करते समय शेर उनके करीब तक पहुंच जाते हैं। दक्षिण में आगे झुंड के नर भी आराम कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में यहां तापमान बढ़कर 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शेर अक्सर शिकार में शामिल नहीं होते और अक्सर ये शाम की ठंडी हवा में ही थोड़े ज्यादा सक्रिय होते हैं। शेर अफ्रीका के सबसे बड़े बिग कैट हैं, जिनमें नरों का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। वयस्क और दबदबा कायम रखने में कामयाब शेर अकेले या फिर 2 से 4 नरों के गठबंधन में मादाओं और उनकी संतानों के झुंड की जिम्मेदारी संभालते हैं। झुंड मुख्यतः मादा रिश्तेदारों और उनकी संतानों का समूह होता है। शेरनियां पॉलिएस्ट्रस होती हैं, यानी ये साल भर में कई बार प्रजनन के लिए तैयार हो सकती हैं। वैसे तो शेर साल में किसी भी समय मिलन करके संतानें पैदा कर सकते हैं, लेकिन झुंड की मादाएं अक्सर तालमेल के साथ प्रजनन करती हैं। इससे इन्हें एक साथ अपने शावकों को पालने और दूध पिलाने का मौका मिल जाता है। ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं, लेकिन ये अपना काफी वक्त आराम करने में बिताती है। ये दिन में लगभग 20 घंटे तक आराम करती रह सकती है। शेर अक्सर शाम के बाद ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस समय ये पहले एक दूसरे की साज समार और मिलने जुलने में थोड़ा वक्त बिताते हैं। झुंड के सदस्य सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार ही नहीं होते, बल्कि अपनी संतानों और झुंड की दूसरी मादाओं से इनका बहुत अच्छा रिश्ता भी होता है। आपसी साज समार से रिश्ते मजबूत होते हैं और शिकार के लिए निकलने पर इन रिश्तों की मजबूती दिखाई देती है, जहां ये टीम के रूप में काम करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। किसी जमाने में शेरों की दहाड़ एक डरावनी आवाज थी, जो रात को कैंप फायर के आसपास सुनाई देती थी। आज यहां आने वाले लोग इन शानदार जीवों को
अपने कुदरती माहौल में रोज के काम में लगा देख सकते हैं। रोज लगभग 6 घंटे की सफारी होती है। अच्छी तरह ट्रेंड गाइड अपने मेहमानों को हर सुबह और फिर दोपहर ढलने पर जंगल में उन जानवरों की तलाश में ले जाते हैं जिन्हें देखने के लिए वो अक्सर काफी दूर से आए होते हैं। गाइड बहुत अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं और स्थायी रूप से रिजर्व में ही तैनात रहते हैं, इसलिए ये हर जानवर को पहचान कर उसके इलाके की भी जानकारी रखते हैं। इससे गाइडों के लिए उस वक्त जानवरों को ढूंढने की संभावना बढ़ जाती है जब वे मेहमानों को गेम ड्राइव पर ले जाते हैं। शेरों के झुंड के आसपास वक्त बिताने का एहसास सचमुच बेजोड़ होता है और ये लोग अपने साथ अमिट यादें लेकर जाएंगे। शाम ढलते ही शेर रवाना हो गए। सैबी नदी में हिप्पो का एक झुंड शाम के लिए तैयार हो रहा है और रात के आसमान में चांद चढ़ने लगा है। इस सफारी के पहले दिन का ये बिल्कुल सही अंत है। अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है। ये कैंप से रवाना होकर जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने और यहाँ मौजूद बेशुमार जंगली जीवों के निशान ढूंढने के लिए बिल्कुल सही वक्त है। इन्हें लगभग तुरंत ही इनाम के तौर पर एक जल कुंड की गहराइयों से निकलते 2 हिप्पो नजर आ गए। हिप्पो सेमी एक्वाटिक जीव है और ये खुद को ठंडा रखने के लिए दिन भर पानी में रहते हैं। अक्सर सिर्फ इनकी आंखें और इनके नथने ही पानी के ऊपर नजर आते हैं। शाम के समय ये अपने जल कुंड या नदियों के किनारों पर उगी घास खाने के लिए पानी से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन हिप्पो यहां अकेले नहीं है। पानी से रंभाने की हल्की आवाजें आ रही हैं। भैंसों का एक छोटा सा झुंड घुटने तक गहरे पानी में है और अपनी प्यास बुझाते हुए ये शोर भी कर रहे हैं। चरने और आवास क्षेत्र के मामले में ये जीव हालात के मुताबिक बखूबी ढल सकते हैं, लेकिन एक चीज इन्हें रोज चाहिए, वो है पानी। इसका अर्थ है कि ये सिर्फ ऐसे इलाकों में ही रह सकते हैं जहां साल भर पानी उपलब्ध कराने वाले स्रोत हों। पहले इन जीवों को बिग 5 में इसलिए शामिल किया गया था कि ये मुड़कर शिकारियों को घेरने और अपने दुश्मनों पर अचानक पीछे से हमला करने के लिए बदनाम थे। शांत लगने के बावजूद ये भैंसें वास्तव में शिकार बनने वाली प्रजाति हैं और ये अपने झुंड के किसी बच्चे या वयस्क को खतरा होने पर किसी भी शिकारी पर हमला कर सकती हैं। भैंसें झुंड में रहती हैं, लेकिन इनके नर अक्सर बैचलर ग्रुप बना लेते हैं। इसमें समान उम्र वाले नर होते हैं जो मुख्य झुंड के एक छोटे हिस्से के रूप में रहते हैं। भैंसों की नजरें और उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी नाक बहुत तेज होती है और इस नर को एक अजीब सी गंध मिल गई है। इस गंध से ये जरूरत से ज्यादा सतर्क नहीं है, लेकिन ये अपने हाव भाव से दिखा रहा है कि इसे अनजान जीवों की मौजूदगी की जानकारी है। कई बार बूढ़े नर अकेले रहना पसंद करते हैं और वो कभी कभार ही झुंड के पास आने पर उसमें शामिल होते हैं।
भैंसे अक्सर कीचड़ में नहाने का आनंद लेती रहती हैं। ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखने का कारगर तरीका है, जिसके जरिए भैंसे परेशान करने वाली मक्खियों, टिक्स और दूसरे परजीवियों से छुटकारा पाती हैं। गर्मी के दिनों में ठंडे कीचड़ से भरा एक गड्ढा अफ्रीका की झुलसा देने वाली धूप से बचने का बिल्कुल सही उपाय है। अपने बचाव के लिए नर और मादा दोनों के सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं। लेकिन नरों को मादाओं से अलग पहचाना जा सकता है। नरों का माथा एक ज्यादा सख्त खोल से ढका रहता है, जो आपसी लड़ाई के समय उनके दिमाग को बचाता है। इस शील्ड को बॉस कहते हैं। आम तौर पर बिग फाइव यहाँ के मेहमानों की साइटिंग विश लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद प्रजातियों की विविधता उनके वाइल्ड लाइफ के तजुर्बे को मुकम्मल बनाती है। विल्डबीस्ट झुंड में रहने वाले जीव हैं और पूर्वी अफ्रीका में ये बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका में ये उससे काफी छोटे झुंडों में रहते हैं। इनके समूह का आकार चारे और रहने की जगह की उपलब्धता से तय होता है और यहाँ ये उस इलाके में कई अन्य जीवों के साथ रहते हैं। जंगली शूकर सर्वभक्षी होते हैं और घास, कंदमूल और फल कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी कभार मुर्दाखोरी करते हुए भी देखा गया है। सफारी आगे बढ़ रही है और जंगल में कुछ दूरी पर एक बड़ा सा जीव मौजूद है। यहां हाथी है। ये दुनिया में जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जीव हैं और साइटिंग विश लिस्ट में सबसे ऊपर की जगह इनके लिए सचमुच वाजिब है। अपने बड़े आकार और अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद आजकल हाथियों को इस तरह देखना बिल्कुल सुरक्षित है। हाथी बिग फाइव के मशहूर सदस्य हैं। ये बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी तेज और फुर्तीले भी होते हैं और इनकी ऊंचाई 3.6 मीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 7 टन तक हो सकता है। लेकिन हाथी बहुत शांत रहने वाले जीव हैं और जब तक झुंड को छेड़ा नहीं जाता इनसे कोई खतरा नहीं होता। इस तरह के हालात में जब कोई हथनी अपने बच्चे के साथ बहुत करीब मौजूद हो तो जानवरों के व्यवहार के बारे में गाइड की जानकारी बहुत अहमियत रखती है। हथनी को अगर महसूस हो कि उसके बच्चे को खतरा है तो वो बहुत तेजी से जानलेवा हमला कर सकती है। कई पीढ़ी पहले इन हाथियों का बेरहमी से शिकार किया जाता था, लेकिन आज इन्हें हमेशा अपनी हिफाजत के लिए सजग नहीं रहना पड़ता और इन्हें इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस रिजर्व में हाथी बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ये सफारी की गाड़ियों के अभ्यस्त हो चुके हैं और इंसानों की मौजूदगी को खतरे से जोड़कर नहीं देखते।
हाथियों को उनके कुदरती माहौल में देखना हमेशा बहुत रोमांचक और कमाल का अनुभव होता है। इनके शरीर की विशालता सचमुच जबरदस्त है। लंबी गठीली सूंड की मदद से ये दिन भर जंगलों में चरते रहते हैं और खाने के लिए बेहतरीन पत्ते और टहनियां चुनते रहते हैं। ये आगे बढ़ रहे हैं और पास मौजूद लोग इनकी लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें और इनके पेटों की गुड़गुड़ाहट सुन सकते हैं। अक्सर इन आवाजों और झाड़ियों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज से ही गाइडों को जंगल में मौजूद हाथियों की मौजूदगी का पता चलता है। ये जीव इस इलाके में सबसे अहम प्रजाति है, यानी ये यहां के सक्रिय इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। हाथी काफी हरियाली चरते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र उसके बहुत कम हिस्से को ठीक से पचा पाता है। नतीजा ये होता है कि बीज और पेड़ पौधों के दूसरे हिस्से इनके पेट से गुजरकर इनकी लीद के साथ अपनी मूल जगह से काफी दूर पहुंच जाते हैं, जिससे इनकी लीद में खाना ढूंढने वाले कीड़े मकोड़ों और परिंदों का पेट भरता है। लेकिन इनके पाचन तंत्र के डायमेंशन बहुत दिलचस्प है। इनके बहुत बड़े से पेट की तुलना में इनका मुंह काफी छोटा होता है। किसी बड़े नर की आंतों की लंबाई 19 मीटर तक हो सकती है। कमाल की बात यह है कि अपने इतने बड़े आकार के बावजूद हाथी बहुत फुर्तीले होते हैं और अपने पैरों के नीचे मौजूद मोटी गद्दियों की वजह से ये जंगल में लगभग बिना कोई आवाज किए चल सकते हैं। अपनी इस खासियत और अपने रंग की वजह से इन्हें अपने माहौल में आसानी से छिपने की सहूलियत मिलती है और रात होते ही ये विशाल जीव जंगल में बखूबी घुल मिल जाते हैं। दोपहर के बाद शाम हो रही है। इस अफ्रीकन सफारी का दूसरा दिन बहुत कामयाबी के साथ खत्म हो रहा है। इन शानदार जीवों के साथ वक्त बिताना वाकई एक खास अनुभव है। आज सुबह की गेम ड्राइव उम्मीद से पहले शुरू हो गई है। सफेद गैंडों के समूह को क्रैश भी कहा जाता है और ऐसे ही एक झुंड ने कैंप के ठीक बाहर सड़क की रेत की गर्माहट में रात बिताई है और अभी ये अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। एशिया में इलाज के पारंपरिक तरीकों में राइनो यानी गैंडे के सींग की काफी मांग रहती है और कई साल पहले लगभग विलुप्त होने की हालत तक शिकार किए जाने के बावजूद शिकार पर रोक वाले कानून बनने के बाद इन जीवों ने अपनी तादाद फिर से बढ़ा ली है। आज इनकी ठीक ठाक तादाद मौजूद होने के बावजूद पूरे अफ्रीका में अवैध शिकार बढ़ रहा है और एक बार फिर राइनो को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहां ये सुरक्षित और संरक्षित हैं। हमेशा राइनो यानी गैंडे के शरीर पर या आसपास दिखने वाले ये छोटे परिंदे ऑक्स पेकर हैं। इनका राइनो के साथ सहजीविता का रिश्ता है। ये उनके शरीर पर से कीड़े मकोड़े खाकर उनकी मदद करते हैं और खतरों से आगाह भी करते हैं। कोई खतरा आसपास हो तो ये परिंदे आवाज लगाकर राइनो को चेतावनी देते हैं। राइनो आक्रामक स्वभाव के नहीं होते और एक ट्रेंड गाइड के साथ पैदल सफारी के दौरान आप इन्हें करीब से देखने का अनुभव पा सकते हैं।
ये जानवर बहुत भारी भरकम और बेढंगे लगते हैं और इनकी आंखें भी कमजोर होती हैं, लेकिन इनकी नाक और इनके कान बहुत तेज होते हैं। खतरा महसूस होने पर ये तुरंत हमला कर देते हैं। ये वाकई बहुत ताकतवर जीव है। राइनो तकरीबन 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आकार के मामले में गैंडे अफ्रीकी हाथी के बाद दूसरे नंबर पर हैं और इनका वजन 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ये बहुत सख्त जान और मजबूत दिखते हैं, लेकिन इनकी खाल हैरतअंगेज ढंग से नरम है। ये धूप और कीड़े मकोड़ों के दंश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए सफारी पर आए लोगों को कभी कभार ये ठीक वैसे ही कीचड़ में नजर आ जाते हैं जैसे कल सुबह भैंसे दिखी थी। गैंडे चरने वाले जीव है और इस रिजर्व में मौजूद सवाना और घास के मैदान के मिले जुले इलाके इनके रहने के लिए बिल्कुल सही है। ये गैंडे 14 सदस्यों तक वाले झुंडों में रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मादाओं के साथ संतानें और कभी कभार निचले दर्जे के नर भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर वयस्क नर अकेले रहते हैं और दबदबा कायम रखने वाले नर अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। मादा से मिलन के अधिकार और अपने इलाके की हिफाजत के लिए ये नर आपस में लड़ते हैं, लेकिन मादाओं का इलाका एक दूसरे से मिला हुआ होता है और ये उसकी हिफाजत नहीं करती। आसमान में सूरज ढलने के साथ ही जंगल में नटाल फ्रैंकलिन की आवाज गूंजने लगी है। ये एक बार फिर जीवों की तलाश में निकलने के लिए बिल्कुल सही समय है। आज दोपहर बिग फाइव के सबसे मुश्किल से नजर आने वाले जीव की एक झलक मिली। ये तेंदुआ है। ये शर्मीला बिग कैट बचकर निकलने में माहिर है। कई शिकारी इसकी काले रोजेट से सजी खूबसूरत सुनहरी खाल के लिए इसका शिकार करना चाहते हैं। लेकिन अपनी इसी खाल की बदौलत इसे जंगल में लगभग गायब हो जाने की सहूलियत मिलती है। अपने माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाने वाले इस जीव को छिपने की जगह पर देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए गेम ड्राइव में मेहमानों और गाइडों दोनों के लिए किस्मत से तेंदुए का दिख जाना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो लंबी घास में किसी तेंदुए को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन गाइड की नजरें बहुत तेज हैं और इसने तेंदुए को ढूंढ लिया। मेहमान इसे देखकर खुश है, वे इसे देख रहे हैं और गाइड इस शिकारी के बारे में उन्हें जानकारियां दे रहा है। देखकर लग सकता है कि ये लोग तेंदुए के बहुत करीब हैं, लेकिन इन लोगों को कोई खतरा नहीं है। गाइड को तेंदुए के हाव भाव को समझने की ट्रेनिंग दी गई है, ये ज्यादा करीब जाकर तेंदुए को परेशान नहीं करेगा।
इस रिजर्व में तेंदुआ संरक्षित है और इसके पास इंसान की मौजूदगी में खतरा महसूस करने की कोई वजह नहीं है। अब यहां शिकार नहीं होता और यह सुरक्षित इलाका है। इस तरह की साइटिंग से मेहमानों को बढ़िया फोटो खींचने का मौका मिलता है। इन शानदार जीवों को इनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में इतने करीब से देखना सचमुच कमाल का अनुभव है। पहले इस इलाके में बहुत छिप कर रहने वाले तेंदुओं को अब गाड़ियों और इंसानों की मौजूदगी की आदत हो गई है और ये रिजर्व अफ्रीका में तेंदुओं को देखने का सबसे अच्छा मौका उपलब्ध कराता है। किसी तेंदुए को पेड़ पर आराम करते हुए देखना अफ्रीकन सफारी की सबसे अच्छी साइटिंग में से एक है। अकेले रहने वाले ये तेंदुए निशाचर होते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। दिन की गर्मी के समय ये ऊंची टहनियों की ठंडी छांव में रहना पसंद करते हैं। इस ऊंचाई से तेंदुए नीचे दूर तक देख सकते हैं, जिससे इन्हें संभावित शिकार पर नजर रखने की सहूलियत मिलती है। बेहद फुर्तीले और ताकतवर तेंदुए नजर में नहीं आने के लिए मशहूर हैं और ये ऊपर से छलांग लगाकर नीचे मौजूद शिकार को कुछ ही पलों में मार सकते हैं और अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को खाने के लिए पेड़ पर ले जा सकते हैं। जंगली शूकर की लाश को लेकर चढ़ना किसी पूरी तरह वयस्क तेंदुए के लिए मुश्किल नहीं होगा। ये इनका पसंदीदा शिकार है, लेकिन इन तेज और चालाक जीवों को पकड़ना अक्सर मुश्किल साबित होता है। वयस्क जंगली शूकरों के बाहरी दांत होते हैं और घिर जाने पर ये शिकारियों पर जवाबी हमला भी कर देते हैं। अपने बच्चों की हिफाजत कर रही मां से सचमुच काफी खतरा हो सकता है। आमतौर पर ये अपने बचाव के लिए खतरा महसूस होते ही भाग निकलते हैं, लेकिन छोटे बच्चों वाली मादा जंगली शूकर बहुत आक्रामक ढंग से उनकी हिफाजत करती है। ये इतनी बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं कि कुछ मामलों में तो ज्यादा खून बहने से हमलावर शिकारी की मौत हो जाती है। तेंदुए के लिए जंगली शूकरों का ये झुंड शिकार के लिए सही नहीं है, लेकिन इसे नीचे अपना पेट भरने का इंतजाम नजर आ गया है। ऊपर छिपे खतरे से बेखबर जंगली शूकरों का ये परिवार धीरे धीरे घास चरते हुए आगे बढ़ रहा है। इनके बच्चे अब भी छोटे और अनाड़ी हैं और ये अपने माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये सीधे पेड़ के नीचे आ गए हैं और इन्हें पता नहीं है कि इनके ऊपर पक्की मौत मौजूद है। तेंदुए मौके का फायदा उठाने वाले उस्ताद शिकारी हैं
और इनकी खुराक में काफी विविधता होती है। हालात के मुताबिक अच्छी तरह ढल जाने वाले ये जीव कई तरह के शिकार पकड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए अपने तेज कान और कमाल की नजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तेंदुआ आज शिकार करने में कामयाब रहा तो दूसरे शिकारियों और मुर्दा खोरों से बचाने के लिए ये शायद लाश को पेड़ पर ले आएगा। ये तेंदुआ एक शूकर पर नजर रख रहा है। लेकिन आज बहुत गर्मी है और तेंदुए के लिए ये ऐसा मौका नहीं है जिसमें इतना दमखम लगाया जाए, और इसने कोशिश करने की बजाय दिन की गर्मी में सोते रहना और रात का इंतजार करने का फैसला किया। अफ्रीकन बुशवेल्ड पर सूरज ढल रहा है और गाइड अपने मेहमानों के साथ लॉज की ओर लौटते हुए रास्ते में भैंसों को देख रहे हैं। इन उम्रदार नरों ने पूरा दिन कीचड़ में बिताया है और अब ये रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जा रहे हैं। शिकार के लिहाज से भैंसें खतरनाक और बहुत मुश्किल से काबू में आने वाले जीव हैं, लेकिन शेरों का कोई अनुभवी झुंड इनमें से किसी को शिकार बनाने की बेझिझक कोशिश कर सकता है। भैंस का शिकार करने का अर्थ है ढेर सारे शेरों के लिए पेट भर खाना। आज सुबह सड़क पर नजर आए गैंडों ने भी पूरा दिन कीचड़ में बिताया है। गैंडे चरने वाले जीव हैं और ठंडे माहौल में ये दिन और रात के समय कुछ घंटों के अंतर पर चरते रहते हैं। इन्हें रोज पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार ये उसकी खोज में 10 किलोमीटर तक चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है, इस इलाके के जल कुंडों और यहाँ की नदियों में ढेर सारा पानी उपलब्ध है। शाम ढलती जा रही है और दूर एक उम्रदार हाथी रिज पर जाता हुआ दिख रहा है। तेंदुआ पेड़ से उतरकर झाड़ीदार जंगल की ओर बढ़ रहा है।
जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और ये शिकार करने का वक्त है। लेकिन निश्चित रूप से गैंडे तेंदुए की खुराक में शामिल नहीं है। ये अपने लिए सही शिकार की तलाश में आगे बढ़ता रहेगा।